डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशानंद देबा फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो भी आप लोग पढ़ रहे होंगे मन लगा के पढ़ रहे होंगे और उसका कंटिन्यूस रिविज़न कर रहे होगे। रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, रिविज़न नहीं करोगे तो आप पुरानी चीज़ें जो भी करते जाओगे भूलते जाओगे ना, इसीलिए रिविज़न साथ ही साथ करते चलो। आप लोग जितनी भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं उसकी प्रॉपर नोट्स बना लो, आप लोग बार बार रिविज़न करो उनका, और जो भी बताई जा चुकी हैं अभी तक, जैसे आपका अर्थमेटिक के कई क्लासेस हो चुके हैं तो मुझे उम्मीद है वो सारी चीज़ें आप लोग देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, रिविज़न उसका आप कर रहे होंगे, और साथ ही साथ उसी के साथ प्रैक्टिस बैच हमारा चल रहा है तो आप उसको ज्वाइन करो, वहाँ से भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। मैं आपको कराती हूँ प्रैक्टिस, आपके विक्रम सर कराते हैं प्रैक्टिस, बाकी मुकेश मैम भी आई हैं, नई मैम हैं, आप उनको भी देखो, वो भी आपके टेक्निकल की क्लासेस लेती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो जो भी बच्चे हो आप लोग टेक्निकल वाले उनको देखो, रीजनिंग की क्लासेस विक्रम सर लेते हैं प्रैक्टिस बैच, मैं यहाँ पे आपके एप्टीट्यूड की ले रही हूँ प्रैक्टिस बैच, और बाकी ब्रेसिस की तो हमारी अभी चल ही रही है। तो जहाँ भी जो भी है आप लोग सारी क्लासेस अटेंड करो, सबसे फ़ायदा उठाओ और सारी चीज़ें देखो, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ट्राइंगल पढ़ रहे थे। ट्राइंगल में जितनी भी चीजें हो चुकी हैं वो चीजें आपको सभी क्लियर है, समझ में आ गई थी ना, ठीक है। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्लियर है। देखो मैंने एक चीज आपको गलत नहीं बोलूंगी, गलत बताई हूँ, लेकिन हाँ मतलब उसमें थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लो। मैंने आपको बोला था कि सपोज ट्राइंगल सिमिलर है आपके, दो ट्राइंगल ए बी सी, ये आपका फ्लो में निकल गया था, ए बी सी और पी क्यू आर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो आपका जो सिमिलर है अगर, तो आपका जो रेशियो होगा साइड का वही रेशियो आपका हाइट का होगा, ये तो मैंने बताया था, ठीक है, सही है। मीडियन का भी वही रेशियो होगा, एम वन अपॉन एम टू, ये भी सही है। जो मैंने बोल दिया था आपको सरकम सेंटर ना, तो सरकम रेडियस था, ठीक है, वो बाय मिस्टेक निकल गया था सरकम सेंटर, तो सरकम रेडियस का भी आपका रेशियो वही होगा, और जो मैंने बोला था इन सेंटर वो भी आपका इन रेडियस होगा, तो क्या हो जाएगा, इन रेडियस आपका स्मॉल आर वन इज इक्वल टू स्मॉल आर टू हो जाएगा। उसको मैंने डिनोट वहां पे सी वन से कर दिया था, तो डिनोट आप जैसे भी कर लो, इसीलिए मैंने यहाँ पे आर वन आर टू ले लिया है, स्मॉल आर और कैपिटल आर, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को पता होगा सेंटर क्या होता है, तो सेंटर तो एक पॉइंट जस्ट होता है, उसका आप लोग कैसे रेशियो लोगे, इसीलिए वो मेरे कहने का मतलब सेंटर सरकम रेडियस ही था, परि त्रिज्या और अंतर त्रिज्या ही थी, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई, इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लेना वहां पे। अब देखो, अब हम लोग कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, थेल्स थ्योरम कल हमने पढ़ा था, थेल्स थ्योरम याद है कुछ, क्या था थेल्स थ्योरम, कुछ याद है किसी भी बच्चे को, क्या था? तो भाई ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में क्या था, किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में थेल्स थ्योरम का और क्या नाम था, अगर डी आपका पपेट डी पैरेलल है बीसी के, डी अगर आपका पैरेलल है बीसी के, तो हमने क्या पढ़ा था, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, और इज इक्वल टू डी अपॉन बी सी, इसको हमने प्रूफ करके भी आपको बताया था कैसे, ठीक है, सिमिलैरिटी से, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्या था, थेल्स थ्योरम था, ठीक है। तो देखो थेल्स थ्योरम में ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मान लो हम लोग सेकेंड केस पे आते हैं, क्या इफ 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 क्या, हाँ इफ जो है आपका डी है वो ए बी के हाफ पे है, ठीक है, मतलब यदि इफ डी इज, इफ डी इज हाफ, एक मिनट रुक जाओ, पॉइंट डी लिख दो ना, हाँ इफ डी इज हाफ ऑफ ए बी, पॉइंट डी लिख देना, ठीक है। अगर बिंदु डी आपका क्या है, बिंदु डी ए बी के आधे पे है और पॉइंट ई एस एट, ठीक है, हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। अगर आपका
डी जो है ए बी के मध्य पे बिंदु पे है और आपका जो ई है एसी के मध्य बिंदु पे है, मतलब ए डी और डी बी आपस में एक एक का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ए ई और ई सी इनका भी आपस में एक एक का रेशियो होगा, होगा ना, ठीक है। अब देखो इसी से हम लोग क्या करेंगे, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी इज इक्वल टू डीई अपॉन बीसी अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू 1/2, होगा ना 1/2, या फिर आप लोग एडी अपॉन एबी लिख लो और बाकी और भी लिख लो, बाकी और भी चीजें लिख लो। ये मैंने अभी क्या लिख दिया आपको, बीसी लिखा है ना, हाँ। तो ये आपका देखो, ये आपका क्या था, एडी अपॉन एबी था ना, ये एडी अपॉन एबी था। ये भी नेक्स्ट वाली भी कंडीशन, चलो मैं अभी आपको इसमें बता दूंगी, इसी में साथ ही में जो नेक्स्ट लिखा था मैंने अभी वो भी होता है, बट अभी चलो मैं बता दूंगी। तो एडी अपॉन एबी था और ये एई अपॉन एसी था, ये हमने पढ़ा था थ्योरम सीरम, ठीक है। तो उसी तरीके से सिमिलरली एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन एसी इज इक्वल टू डीई अपॉन बीसी इज इक्वल टू 1/2, बताओ लिख सकते हो ना, ठीक है 1/2 होगा। अब देखो अगर हम बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि अगर आपका दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं तो जो उनके एरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उनके जो साइड की लेंथ के स्क्वायर का जो रेशियो होता है वही उनके एरिया का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एडीई का साइड क्या है तो एडी है, ठीक है, तो एडी का स्क्वायर अपॉन एबीसी का आपका साइड क्या है तो एबी है, ठीक है। सिमिलर वाले जो साइड होंगे ना आप उन्हीं को लिखना, ठीक है। जैसे आपका इस केस में क्या है, एडी सिमिलर टू एबीसी है ना, कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो इसमें देखो एडी और एबी हमने इसी दो को साथ लिया है, एडी का स्क्वायर अपॉन एबी, ठीक है। अगर सिमिलर में जो आपका होंगे वही आपको साइड एक साथ लेनी है, तो एडी बाय एबी का स्क्वायर। अब एडी यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन एबी क्या है, एबी देखो 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका 1/4, क्या आ जाएगा आपका 1/4, ठीक है। तो मतलब अगर आपका ये जो डी है मध्य बिंदु पे है आपका पॉइंट डी ए बी के और ई ए सी के, तो आपका जो ए डी ई और ए बी सी का रेशियो होगा एरिया का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखो मैं पूछूं अगर डी बी सी ई का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी बी सी ई तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो भाई पूरे ट्राइंगल के एरिया में से, मतलब ए बी सी में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसमें से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी तो आपका ये मिल जाएगा ना, पूरे त्रिभुज में से ए डी का माइनस कर दोगे तो आपका ये वाला एरिया मिल जाएगा, तो माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरे का ए बी सी का क्या है, तो पूरे का एरिया क्या हमने लिखा है यहाँ पे, मान लो 4 है ना, तो 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कितना था, तो 1 था, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, क्या जाएगा आपका 3, क्लियर है सभी को। अब देखो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, कैसे, तो देखो ये आपका एडी है, साइड किस क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब इसका एरिया आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्राइंगल एबीसी में देखो तो साइड कितना है, तो 1/2 साइड 2 है, ठीक है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एबीसी का एरिया कितना है 4 है, और अगर इसका है 1 तो बचा हुआ एरिया क्या होगा, तो 4 - 1 = 3, क्लियर है, समझ में आया अभी कि कैसे ये चीजें आई हैं, कहां से आई हैं, ठीक है। नोट डाउन करो इसको, इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चलो नोट डाउन करो फिर हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको ये सारे पॉइंट एक एक पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ना, धीरे धीरे, देखो कोई हड़बड़ी जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इत्मीनान से करो चीजें, समझ समझ के करो, ज्यादा जरूरी है ये, क्लियर है सभी को, समझ में आया, रब कर दूं मैं, क्वेश्चन पे बढ़े, चलो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर आप लोग को और थोड़ा पिक्चर क्लियर होगा कि क्या कैसे है, क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में और क्या है, कैसे आपको करना है।
तो आपके सामने क्वेश्चन अब आ गया होगा, आप लोग उसको देखो, तब तक मैं रफ कर देती हूं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग क्या कह रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, पहले क्वेश्चन समझो और ये देखो कैसे करोगे, थोड़ा अप्रोच आप सोचो मन से, फिर मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो जितना अभी तक हमने पढ़ा है वही सारी प्रॉपर्टी यूज होंगी, इससे बाहर अभी नहीं यूज होंगी, ठीक है। तो देखो इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड डी आर टू पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी, ठीक है, एंड डी इज पैरेलल टू बी सी, और इफ AD is equal to 6 cm, BD is equal to 12x minus 6 cm, A is equal to 2x cm, C is equal to 16 minus 2x cm, then find the value of x, ठीक है। हिंदी बच्चे, त्रिभुज ABC में D और E क्या है आपके, दो बिंदु है AB और AC पे रेखा पे, और DE समानांतर है BC के, और AD की लेंथ 6 है, BD 12x minus 6 है, AE की 2x है और CE की 16x minus 2x है। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जो जस्ट अभी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी थेल्स थ्योरम उसी पे बेस्ड है, जल्दी करो x की वैल्यू बताओ आप लोग, x की वैल्यू बताओ आप लोग, जो अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है बिल्कुल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, कहीं और कुछ कोई कंसेप्ट नहीं यूज हुआ, बस वही यूज कर लोगे आप लोग कंसेप्ट, उसके बाद हम लोग कर लेंगे आसानी से सॉल्व, ठीक है। करें हम लोग सॉल्व, देखें चलो, तो भाई ट्राइंगल है एबीसी, आपके इधर क्वेश्चन आ जाएगा, पार्टीशन कर दे रही हूं मैं, राइट साइड में क्वेश्चन आ जाएगा, ट्राइंगल है आपका ये एबीसी, ए बी और ए सी पे दो बिंदु है डी और ई, ये जरूरी नहीं मिडिल में मध्य में नहीं बोला है, ठीक है, बस बोला है एक बिंदु है, इस प्रकार के हैं कि डी ई और बी सी आपस में पैरेलल है, ठीक है, और क्या बोला ए डी की वैल्यू दे रखी है 6, ये 6 है, और बी डी की वैल्यू 12x minus 6, बी डी की वैल्यू 12x minus 6, ठीक है, और क्या दे रखा है AE 2x, AE की वैल्यू है 2x, और EC की वैल्यू क्या दे रखी है, CE की वैल्यू 16 minus 2x की वैल्यू है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अप्लाई करो थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम मैंने आपको तो बताया एक चीज, ठीक है, अभी मैं बताने वाली थी जस्ट भूल गई आपको, मैं यहां बता दे रही, थेल्स थ्योरम तो मैंने बताया क्या होता है, थेल्स थ्योरम सभी को याद है ना, क्या बताया था, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन BC, ये होता है ना, ये होता है, ठीक है। अब देखो यही से निकलेगा क्या, इसी ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम से आपका ये भी हो जाता है कि AD अपॉन DB इनका भी रेशियो इक्वल होता है AE अपॉन AC के, किसके, AE अपॉन EC के, तो ये भी आपका थेल्स थ्योरम से ही निकल के आता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। अब इसी को अप्लाई कर दो यहाँ पे, अप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, तो चलो अप्लाई करते हैं हम लोग, चलो ऊपर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या हो जाएगा 6 upon 12x minus 6 इज इक्वल टू 2x upon 16 minus 2x, यही होगा ना। अब देखो 6 यहाँ पे कॉमन लोगे तो ऊपर 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2x minus 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 से कॉमन लोगे यहां से तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 16 - x, 8 - x आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर दो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, ठीक है, इसको रब कर देती हूं मैं, ये भी पॉइंट आप लोग लिख लेना आगे कॉपी में, इसको जस्ट सॉल्व करो आप लोग, क्या आएगा 8x - 1 इज इक्वल टू, करो सॉल्व, 8 - x इज इक्वल टू 2x² - x हो गया, ठीक है, 2x² -x - x कट जाएगा, तो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2, आपकी क्या आ जाएगी 2। अब कुछ बच्चों बोलोगे कि मैम स्क्वायर हटाइए तो प्लस माइनस का 2 दोनों आना चाहिए, तो भैया ये लेंथ है, लेंथ आपकी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं होगी ना, हमेशा ही ये पॉजिटिव वैल्यू देगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्लियर है सभी को, समझ में आया, आगे बढ़े।
अब सेंटीमीटर दे रखा था तो जो भी यूनिट है आपको उसमें यूनिट में लिख लेना है। क्लियर? नोट डाउन करो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़े, ठीक है। रब कर दूं मैं इसको, चलो इसको हम लोग रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, उसको पढ़ो देखो क्या कह रहा है। थेरेस थ्योरम पे ना आपके बहुत क्वेश्चंस होते हैं, थेरेस थ्योरम हो गया, ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से, इनफैक्ट सारी चीजें जितनी भी कराई जा रही हैं आपकी, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे एक एक पॉइंट नोट डाउन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ और बहुत बार रिविजन करो, तभी आपके दिमाग में बैठेगी। और रिविजन करोगे क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व करोगे तभी समझ में आएगा कि भाई कहाँ किस स्टेप पे आपको क्या अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देखिए थेरेस थ्योरम में आपका था जो अभी मैंने बताया, तो वो भी चीज होती है, तो जब आप कई बार एनालाइज करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करोगे इसको, क्या कह रहा है। इन अ ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन साइड्स एबी एंड बीसी सच दैट डी इज पैरेलल टू एसी एंड इट इज टू डीबी इज 3:2। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी ई डी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी, बताओ जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने अभी बताया है आपको, ठीक है। हिंदी में बोल दो एक बार, चलो। किसी भी त्रिभुज एबीसी में दो बिंदु हैं आपके एबी और बीसी पे, डी और ई इस प्रकार से हैं कि डीई और एसी आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। और क्या कह रहा है, एडी टू डीबी का रेशियो दे रखा है, अनुपात दे रखा है 3:2। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्रेपेजियम एसीईडी के एरिया और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। करो जल्दी करो आप लोग, फिर हम लोग करते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बता रखा है वैसे ही है, उसी पे बेस्ड है। करो आप लोग जल्दी से करो, फिर हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग आंसर बताओ फट से। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ट्रायंगल है ए बी सी जिसपे डी और ई पॉइंट है आपके ए बी और बी सी पे, ठीक है। तो ट्रायंगल बना दो, ए बी सी है, ए बी और बी सी पे डी और ई पॉइंट है आपके दो, इस प्रकार से है कि डी ई पैरेलल है ए सी के, यही बोल रखा है ना, ठीक है। हाँ, और ए डी इज टू डी बी दे रखा है आपको, क्या ए डी इज टू डी बी दे रखा है 3:2, मतलब ए डी इज टू डी बी ये क्या है 3 है और तो ये क्या है 2 है, ठीक है। और क्या बोला है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी ई डी, ए सी ई डी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी, बीईडी, ठीक है, क्लियर। रेशियो किसका पूछा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सीई डी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी, कर लोगे ना आप लोग। अभी जस्ट मैंने इसके पहले जो क्वेश्चंस कराए हैं उसमें बताया था मैंने। तो एक चीज बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी उसका रेशियो क्या होगा, बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसका रेशियो क्या होगा। तो जो इनकी साइड है, जो भाई आपके सिमिलर ट्राइंगल तो बन रहा है, उनकी साइड का स्क्वायर होता है। और आप देखो यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, तो भैया ट्राइंगल बी डी ई यही तो सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ए सी के, किस सिमिलरिटी से होगा, तो ये एंगल कॉमन है दोनों में और ये एंगल इसके एक बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, है ना, है ना, ठीक है। तो आपका कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा किससे, एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल बराबर है, मतलब ये आपका ट्राइंगल बी डी ई सिमिलर है ट्राइंगल बी ए सी के, ठीक है। अब मैं पूछूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इनका रेशियो क्या होगा, तो भाई इनका रेशियो क्या होता है, तो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। मैंने हमने अभी प्रूफ करा था इसके पहले के लेक्चर में, ठीक है। तो देखो बीडीई में, बीडीई में दोनों की जो करोस्पॉन्डिंग साइड होती है ना उनके स्क्वायर का रेशियो होता है। तो बीडीई में ये बीडी, ठीक है, और बीडी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, तो बीए है, ठीक है। उनका जो एरिया स्क्वायर का रेशियो होगा वही रेशियो इनके एरिया का होगा, मतलब बीडी का स्क्वायर
अपॉन बी ए का स्क्वायर, यही तो होगा ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, तो बी डी की लेंथ क्या है, दो है, तो दो का स्क्वायर चार हो गया। बी ए कितना है, तो टोटल कितना है बी ए, तो ये दो है, ये तीन है, कितना है पांच, तो पांच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे मैं दो का स्क्वायर और पांच का स्क्वायर ही लिख दे रही हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चार हो गया, ये पच्चीस हो गया ठीक है। मतलब यहां से हमें पता चल गया कि भाई बी डी ई का एरिया हमारा क्या है, चार है, और पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया क्या है, तो पच्चीस है ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो पूरे ट्राइंगल का एरिया 25 है, बी डी ई का 4 है, तो बचा जो आपका ए सी ई डी, उसका एरिया क्या होगा, तो पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये ट्राइंगल बी डी ई एरिया घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा कि इसका ए सी ई डी का एरिया क्या है ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 21 ठीक है। इसका एरिया क्या आ गया 21, तो आपको जो एरिया पूछा है आप लोग उसका निकाल दोगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी ई डी क्या आ गया हमारा यहाँ से 21, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी क्या है, तो 4 है, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा 21:4 का। सभी को क्लियर, समझ में आई बात। तो देख रहे हो आप लोग कि कैसे यूज करने हैं क्वेश्चंस में, आपका जो भी कंसेप्ट पढ़े हो कैसे अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस में, समझ में आ रहा है कुछ धीरे धीरे। देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा अभी एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा, टाइम दो, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप लोग कर ले जाओगे, जरूर से आपको समझ में आएगा ठीक है। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो रब कर देती हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, उसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फट से, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है आपका। इन अ ट्राइंगल ए बी सी मीडियन बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट ओ ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई एफ एंड एबीसी ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज एबीसी में आपका बीई और सीएफ जो है मीडियन है ठीक है, मीडियन है आपका बीई और सीएफ, मतलब माध्यिका है जो कि एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, तो आपको बताना है रेशियो किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओईएफ का और किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी से ठीक है। सॉल्व करें, चलो देखो इसमें बोल रखा है क्या कि बी डी बी ई और सी एफ आपके माध्यिका है ठीक है, तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, बी ई एंड सी एफ माध्यिका है, तो भाई माध्यिका हम लोग बना लेंगे। अच्छा अब बताओ पहले कि माध्यिका होता क्या है, माध्यिका क्या होता है, तो भाई माध्यिका वही होता है जो किसी भी त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के मध्य बिंदु को, तीनों त्रिभुज के मध्य बिंदु को आपके सामने वाले शीर्ष से जहां से मिलाएंगे तो उस पॉइंट पे मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं ठीक है। वो सेंट्रॉइड हो गया आपका, और ये जो आपकी लाइन है इस शीर्ष से आपके वर्टेक्स से सामने वाले लाइन पे बीच में मध्य बिंदु पे जो मिलाते हैं रेखा, उसको ही हम लोग माध्यिका कहते हैं ठीक है। तो वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा ही हमारी माध्यिका कहलाती है ठीक है। अब इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मीडियम कहलाती है ठीक है। तो अगर ये मीडियन है तो मतलब ये मध्य बिंदु है, तो मतलब ये रेशियो 1:1 का है ठीक है। और अगर ई मीडियन है आपका, बी ई मीडियन है, तो मतलब ई मध्य बिंदु हो गया एसी का, मतलब ए ई और एसी ईसी का रेशियो क्या आ गया 1:1 का। क्लियर है, इतनी चीज से समझ में आई ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक है। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सपोज ये ओ है ठीक है, और क्या है तो आपसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई एफ, तो ओ ई एफ मिला दो इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई एफ टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी था ना, ये आपसे पूछ रखा है, जल्दी बताओ क्या होगा। आधी परेशानी मैंने आपकी सॉल्व कर दी है, बताओ जल्दी क्या होगा। अब देखो पहले यही बताओ मुझे कि कौन से दो आपके ट्राइंगल सिमिलर होंगे ठीक है, बताओ। अच्छा ये अगर आपकी माध्यिकाएं हैं, मतलब ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, तो अगर आप मिलाओगे ई एफ तो ई एफ आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बी सी के ठीक है, ई एफ आपका पैरेलल हो जाएगा बी सी के। अब देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख को ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ Z का फॉर्मेशन दिख रहा है,
दिख रहा है ना, मतलब ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो अगर ये आपका क्या है, अल्फा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा ना। देखो समानांतर आपका लाइन है और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो कौन सा रेखा आपका कोण हो गया, एकांतर कोण। या फिर मैंने बताया था आपको आसान तरीका, जेड देख लो जहां भी बन रहा है क्या होगा, एकांतर कोण होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो उल्टा जेड बन रहा है, जेड तो बन रहा है ना, तो अगर ये आपका बीटा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो कौन से, बताओ कौन से ट्राइंगल इक्वल होंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ट्राइंगल ओ ओ ई एफ, क्या ट्राइंगल ओ ई एफ, ये बताओ किसके आपके समानांतर होगा, किसके समरूप होगा, सॉरी किसके आपके समरूप होगा। तो ओ, तो भाई ओ आपके ओ के ही इक्वल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ओ की जगह हमने ओ ही लिख लिया। अब देखो ई, तो ई कौन सा हमारा एंगल, अल्फा एंगल है, ठीक है। तो आपके इस ट्राइंगल में देखो अल्फा एंगल कौन सा, तो बी वाला है ना, तो आप ई के बराबर में क्या लिखोगे, बी लिख दोगे, ठीक है। अब देखो एफ बचा, तो एफ हमारा क्या है, यहाँ पे बीटा है, ठीक है, बीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में बीटा कोण कौन सा बना रहा है, तो सी बना रहा है। तो हमने एफ के करस्पॉन्डिंग क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ठीक है। तो यहां से हमें निकल के आ गया कि भैया हमारा ट्राइंगल जो ओ ई एफ है, हमारा ट्राइंगल ओ बी सी आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है, समरूप है एक दूसरे के। इतना हमारा आ गया। इतने में कभी कहीं किसी को कोई समस्या है, नहीं ना, सभी को क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो जब सभी चीजें सारे को क्लियर है, और ये आपका क्या है, ये वन है, और अगर ये वन है और ये वन है, और अगर आपका ये वन है तो, और ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये बताओ मुझे, ये बताओ कि आपकी ई एफ की लेंथ क्या होगी, ई एफ की लेंथ और बीसी की लेंथ का क्या होगा रेशियो। भाई ई एफ और बीसी के लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा थेल्स थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, तो ए एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी, पढ़ा था ना हमने, ई एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए एफ क्या है आपका वन है, और ए बी क्या है आपका, तो वन और वन टू, मतलब ई एफ का हमारा क्या आ गया वन, और बी सी हमारा क्या आ गया टू, ठीक है। मतलब ये आपका वन है और ये टोटल क्या है टू है। टू कैसे है, क्योंकि आपका ए बी भी टू है और ए सी भी टू है। क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ओ ई एफ और ओ बी सी जब आपके समरूप आ गए, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई एफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी पहले हम बात करें, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई एफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी क्या हो जाएगा आपका कौन सा, हाँ ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई एफ और ओ बी सी क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक मिनट, ट्राइंगल ओ बी सी, नहीं कौन सा है हमारा ओ ई एफ, हाँ ओ बी सी, तो किस साइड के आपका होगा, तो भाई ई एफ और बी सी के स्क्वायर के अनुपात में होगा, ठीक है। मतलब ई एफ का स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन ओ बी सी हमारा क्या है, तो बी सी, ई एफ के आपके ई एफ के बराबर में कौन सा है, तो बी सी है ना, तो उसके ही लेंथ के स्क्वायर होगा। तो ई एफ हमारा क्या निकला था अभी, वन का स्क्वायर, और बी सी क्या निकला था, तो बी सी हमारा था दो, तो दो का स्क्वायर चार, मतलब ओ ई एफ और ओ बी सी का हमारा रेशियो क्या आ गया, वन इज टू फोर का, क्या आ गया हमारा, वन इज टू फोर का। क्या हमारा आ गया पूरा भी आंसर, बताओ आ गया, नहीं आया ना, नहीं आया ना भी, ठीक है। अब देखो ये आ गया हमारा वन इज टू फोर का, मतलब ये हमारा एक है और ये हमारा पूरा दो है, ये हमारा एक है, ठीक है। अब बताओ हम क्या करें, अब बताओ क्या करें हम लोग, तो ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या पाओगे, अगर आप इसको भी मिला देते हो, नहीं एक मिनट, ये आपका दो है और ये चार, सॉरी ये आपका चार है ना, हाँ तो ये आपका चार है, एक मिनट, ये आपका एरिया चार है, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया है इस ट्राइंगल का ओ बी सी, और अगर आप लोग इसको मिलाओगे, इसको मिला दोगे, ए ओ बी और ये वाला ट्राइंगल ए ओ सी, ये तीनों का भी एरिया आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर ये भी बराबर होगा तो मतलब ये भी पूरा आपका चार है, ये भी आपका चार है और ये भी आपका चार है, ठीक है। तो पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इस केस में क्या हो जाएगा, तो चार प्लस चार प्लस चार बराबर क्या हो जाएगा, बारह हो जाएगा, बारह हो जाएगा ना, ठीक है। अब पूछा था हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल OEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो OEF का हमने निकाला है क्या वन और एबीसी हमने निकाल लिया क्या बारह, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारा क्या आ जाएगा यहां से वन अपॉन ट्वेल्व, मतलब वन रेशियो बारह। क्लियर है सभी को, सभी को समझ में आया, नोट डाउन करो फटाक से, नोट डाउन करो आप लोग, फिर हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप लोग बस ये देखो क्या कि ये बीसी है आपका, ठीक है, ये दो है, ठीक है, एसी है ये भी दो है और एबी है, एबी है ये भी दो है, ठीक है। इस दो वाले का आपका चार आ रहा है तो ये भी आपका रेशियो क्या आएगा, ये भी एरिया यहाँ वाला चार आएगा और ये जो दो है ये भी एरिया आपका क्या आएगा, चार आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके जो सारे ये पार्ट है ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी, सब तो आपके चार 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 आएंगे रेशियो, ठीक है, क्योंकि आपका जो ओ है वो क्या है तो वो आपका आ जाएगा सेंट्रोइड आ जाएगा ना, क्योंकि माध्यिकाएं जिस बिंदु पे मिलती है वो हमको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं ना, तो ये आपका सेंट्रोइड आ जाएगा। और हमने बताया था आपको सेंट्रोइड क्या करता है, किसी भी त्रिभुज में तीन इक्वल पार्ट में एरिया को डिवाइड करता है, हमने पढ़ा है ना, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज, अभी समझ में आया, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, रब कर दूं मैं इसको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अप होगा तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अप करना अपने आप को, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस क्या करोगे करके, बहुत इजी तो सभी लोग कर लेंगे, थोड़ा सा अगर ये सारे कंसेप्ट आप सीख लोगे इजी वाला आपसे अपने आप हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग सारे टाइप के वैरायटी क्वेश्चंस कराते हैं, आप लोग देखते ही होंगे, इजी भी कराते हैं, डायरेक्ट जैसे आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सारे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो इससे भागना नहीं है, हमें करना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और करो, क्या कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग फिगर इफ ए जी इज टू जी डी इज इक्वल टू थ्री इज टू फोर एंड बी डी इज टू डी सी इज फोर इज टू सेवन एफ एंड ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ई सी, ठीक है। दिया गया आपको डायग्राम है, उसमें रेशियो दे रखा है ए जी जी डी का तीन चार, बी डी डी सी का दे रखा है चार और सात, और ए दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो आपको ई सी की लेंथ बतानी है, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, करें। चलो देखो ट्राइंगल है आपका, जो डायग्राम दे रखा है उसको हम लोग पहले बना लेते हैं, कुछ यूं ही ट्राइंगल है आपका, ए है बी है सी है डी है और ये आपका कुछ ऐसे गया है जी है और ये ई है और ये आपका जी है, ठीक है। इन द फॉलोइंग फिगर ए जी इज टू जी डी थ्री इज टू फोर, तो ये आपका थ्री इज टू फोर दे रखा है ए जी इज टू जी डी, ठीक है। बी डी इज टू डी सी इज फोर इज टू सेवन, ये आपका फोर इज टू सेवन दे रखा है, ठीक है। और आपसे ए ई बारह दे रखा है, ए ई की लेंथ अगर बारह दे रखी है तो आपको क्या करना है, निकालना है फाइंड ई सी, ईसी आपसे पूछ रहे कि ईसी क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके हैं, ठीक है। मास पॉइंट थ्योरम कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, मास पॉइंट थ्योरम से भी आप इसको कर सकते हो आराम से, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उससे कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। बाकी जब आपका मास पॉइंट थ्योरम मैं पढ़ाऊंगी तो इसमें फिर मैं इस क्वेश्चन को उठाऊंगी कि आप उसमें कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें, देखो ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से जब ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग क्या करोगे, एडीसी में जीई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, अपने आप से कंस्ट्रक्शन करोगे, ठीक है। तो जीई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया डीएम, ठीक है, नाम दे दिया डीएम किसके है, तो जीई के ये पैरेलल आपने लाइन खुद से कंस्ट्रक्ट की, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दी। तो अब देखो बाय थेल्स थ्योरम आपको पता है तो AG और GD का जो रेशियो होगा वही AE और EM का रेशियो हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। लिख दे रही हूँ इसमें इन ट्राइंगल
ADM में, ठीक है। तो AG अपॉन GD इज इक्वल टू AE अपॉन EM हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो ये क्या, ये हो गया अगर 3 तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। किससे, तो थेल्स थ्योरम से, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब देखो किस ट्राइंगल में, तो ध्यान से देखो, ये हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, एक हमने ट्राइंगल ये तो ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा और ट्राइंगल बन रहा है, तो नेक्स्ट हम देखो सी बी और ई एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये आपका इसके पैरेलल है, ठीक है, डीएम पैरेलल है बी के, ठीक है। अब देखो किसमें, इन ट्राइंगल सी बी ई, तो आपका जो रेशियो दे रखा होता है ना, दोनों अलग अलग, दोनों से हम कंपैरिजन कराते हैं इसकी लेंथ का, ठीक है, बेसिकली हम यही करते हैं। तो सी बी ई में क्या हो गया, तो डीएम पैरेलल है आपका बी ई के, ठीक है, फिर इसमें अप्लाई करो क्या, थेल्स थ्योरम। तो जब थेल्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन एम ई इज इक्वल टू सी एम अपॉन एम ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सी डी अपॉन बी डी हो जाएगा ना, कैसे, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब सी एम नहीं पता तो क्या लिख दें हम लोग, एक्स लिख दें, एम ई, एम ई कितना है, 4 है, अपॉन 4 इज इक्वल टू सी डी कितना है हमारा, 7 है, बी डी हमारा कितना है, तो बी डी हमारा 4 है, ठीक है। तो ये आपका 4 से 4 कट जाएगा, तो आपके एक्स क्या आ जाएगा, 7, एक्स क्या आ जाएगा आपका, 7, मतलब ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 7, क्लियर है। आप देखो कहोगे, आप कुछ लोग सोचोगे आप कि ये आपका अलग है रेशियो और ये आपका तो अलग रेशियो है, ठीक है, तो आप कैसे एक साथ कर रहे हो, तो भाई आपका सोचना, जो लोग भी ये सोचे हो सही है, ठीक है। तो आप लेकिन जब आप क्या करोगे, इसको अगर x लोगे, ठीक है, इसको अगर x लोगे और इसको y लोगे ना, तो आपस में x y कैंसिल हो जाएंगे, ये आप खुद कर घर जाके देखना, ठीक है, ये आप खुद घर जाके चेक करना, तो आपका यही रेशियो मिलेगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये हमें रेशियो मिल गया ए इज टू ई एम इज टू एम सी का, ठीक है। अब देखो ए की लेंथ हमें क्या दे रखी है, 3, ठीक है, यहाँ पे चलो हम लोग कर देते हैं, ए यहाँ पे क्या है, 3 है, ए यहाँ पे 3 है ना, और ई सी की पूरी अगर हम बात करें, ई सी की, ई सी क्या है आपका, ई सी है आपका एम सी प्लस ई एम, ई सी इज इक्वल टू एम सी प्लस ई एम, आपका क्या है, 7 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, 11 है, ठीक है। अब देखो ए की लेंथ आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ए की लेंथ दे रखी है 12, मतलब 3 की वैल्यू 12 कितने के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, तो आपसे जो पूछा था ई सी वो क्या है, 11 है यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 4 के मल्टीपल में कितना हो जाएगा आपका, 44 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा आपका, 44 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर है, नोट डाउन करो फटाक से। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा, आपको किसी ना किसी के पैरेलल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी एक लाइन, उसके बाद ही आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नोट डाउन करो आप लोग इसको। ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से करना, ठीक है, समझ में आ गया है ना आप लोगों को। आगे बढ़े अब हम लोग, आगे बढ़े बताओ। चलो ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं पर लेक्चर को एंड कर देते हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करना खुद, ये जितने क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आप लोग जाकर के एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, खुद से करना, खुद से कोशिश करना कि आपको आ रहा है कि नहीं, एक बार वीडियो से करना, उसके बाद खुद से कोशिश करना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बाकी जो भी आप बच्चे नए हो, आपको नहीं पता है, तो बता दे रही हूँ मैं कि हमारा जो है बेसिक का लेक्चर हो चुका है, पहले से स्टार्ट हो चुका है, आप वहां से जाकर के देखो, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि कनेक्शन है एक दूसरे का, ठीक है, तो कनेक्शन है तो कनेक्टिविटी आपको भी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी पिछला जब आपको याद समझ में आएगा पिछला कंसेप्ट, तभी आप अगला समझ पाओगे, उसको कैच कर पाओगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है वो, ठीक है। तो फिर आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो हमारे पे नए हो चैनल पे, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, बेल आइकन अगर दबा दोगे आप, और फिर लाइक कर देना पसंद आए वीडियो को, और क्या करोगे, शेयर कर दोगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो भाई इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने में, कि हाँ अच्छा लगता है, चलो ठीक है आप लोग को चीजें समझ में आ रही है, अच्छा है पढ़ाना हमारा,
व्यर्थ नहीं जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो फिर चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर।